यह है कि दज्जालियत किसे कहते हैं। देखिए अल्लाह ने गोया के इंसान को ये दो आंखें दी थी, दो इल्म दिए थे। एक इल्म पोटेंशियली तो वदियत कर दिया आदम के अंदर, लेकिन उसके हुसूल का अपरेटस जो है नस्ल आदम में रख दिया। आंख से देखो, कान से सुनो, दिमाग से सोचो, चलो। द बॉल वॉज सेट रोलिंग, अब वो गेंद जो है वो लुढ़का दी गई, चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए। एक इल्म ये था। दूसरा इल्म, फैम्मा यातियन्नकुम मिन्नी होदन, हर स्टेज पर तुम्हारा ये इल्म तो अभी स्टेज बाय स्टेज चलेगा, हर स्टेज पर हम तुम्हें हिदायत भेजते रहेंगे। हिदायत से मुराद क्या, ये करो ये ना करो, डू दिस डोंट डू दिस, इसी में तुम्हारी खैर है, इसी में भलाई है, लेकिन तुम जानते नहीं, तुम समझ नहीं सकते, तुम्हें अभी फहम नहीं है। बच्चे को आप कहते हैं भाई ये मत करो, आप ये नहीं समझा सकते कि क्यों ना करो, वो बच्चा है अभी क्या समझेगा क्यों ना करो। हाँ, बड़ा होकर जो है उसके समझ में आ जाएगा कि वाकई बात सही कही गई थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो इब्तिदा में जो अहकाम आए हैं वो सिर्फ अहकाम, हिकमत अभी नहीं दी गई थी, फिर रफ्ता रफ्ता हिकमत दी गई। तौरात में सिर्फ अहकाम है, हिकमत है ही नहीं। इंजील में सिर्फ हिकमत है, अहकाम है ही नहीं। कुरान में आकर हिकमत और अहकाम जमा हो गए, किताब और वल हिकमा, ये दोनों के दोनों आ गए। लेकिन इंसान ने जब एक आंख कर ली बंद, ये हुआ है पोस्ट रिनाइसेंस यूरोप। यूरोप में जो इंतहाई तारीकी छाई हुई थी, ना साइंस का इल्म पढ़ने की इजाजत थी, ना फलसफा का इल्म पढ़ने की इजाजत थी। पोप का इख्तदार, बदतरीन मलूकियत, दो तरह का इख्तदार, एक बादशाही और एक पोपाई, पोप का। और न साइंस पढ़ सकते हो, साइंस की किताब भी किसी के घर से निकल आई तो जिंदा जला दिया जाएगा, फलसफे की किताब किसी घर से निकल आई तो जिंदा जला दिया जाएगा। हालांकि साइंस और फलसफा दोनों का आगाज इससे बहुत पहले हो चुका था यूनान में और इंडिया में। ये दो जो है असल में एंशिएंट सेंटर्स ऑफ साइंस एंड फिलोसफी बोथ। लेकिन ये कि ये जो दौर था मिडिवल एजेस जिनको कहते हैं यूरोप में, डार्क एजेस उन्हें कहते हैं, ये हमारे तारीख अदवार हैं तारीख के, साइंस और फलसफा दोनों की तालीम जो है बंद। अब जब के हस्पानिया की यूनिवर्सिटियों से, स्पेन के अंदर ये यूनिवर्सिटियां थी, कर्तबा की, गर्नाता की, तोलितला की, यहाँ आए जर्मनी से लोग, इटली से लोग, फ्रांस से लोग, और यहाँ से इल्म हासिल करके गए। उनकी आँखें खुली, आंखें खोलकर जाकर उन्होंने अपने मुल्कों के अंदर तहरीकें शुरू की, इहयाउल उलूम, रिनाइसेंस, रिफॉर्मेशन, मजहब के अंदर इस्लाह। उसके नतीजे में ये इल्म शुरू हुआ वहां अब दोबारा, लेकिन मजहब के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो चुकी थी पोप के तर्ज अमल की वजह से। इन्होंने हमें रोके रखा, साइंस पढ़ने से रोके रखा, इन्होंने हमें फलसफा नहीं पढ़ने दिया। इसकी वजह से जो रद्द अमल था दुश्मनी का, तो मजहब से बिल्कुल उन्होंने आंख बंद कर ली, मजहब को दफा करो, सिर्फ साइंस पढ़ो। अब नतीजा क्या निकला, एक आंख बंद और एक आंख चौपट खुल गई। यही तो जमाना है कि जिसमें साइंस की सारी ये एक्सप्लोजन हुआ है, जोरदार धमाके हुए हैं, कहां से कहां इंसान पहुंच गया। इसमें नतीजा क्या निकला है कि वो एक आंख की जो है याफ्त वो तो आसमान से बातें कर रही है और एक आंख बंद है। ये दज्जालियत है, इसलिए काना दज्जाल कहलाता है। दो आंखें अल्लाह ने दी थी, एक आंख ये एक्वायर्ड नॉलेज वाली, एक आंख रिवील नॉलेज वाली। रिवील नॉलेज से आंख बंद और एक्वायर्ड नॉलेज वाली आंख चौपट खुल गई। आज हमें खवास अशिया का इल्म हासिल हो चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वी नो देम। आज हमें कॉस्मोस का इल्म बहुत ज्यादा हासिल हो चुका है, और ये इल्म इस हद को पहुंच गया है कि चांद को हम अपने पांव तले रौंद के आ गए, उससे आगे ना मालूम खला में कहां कहां जो है वो जा रहे हैं। आजकल आपको प्रोब करने वाली चीजें जो है वो मरीख से भी आगे कहां कहां पहुंच चुके हैं। तो ये इंसान का जो इल्म है, यही इल्म अभी कुछ और आगे बढ़ेगा तो तमाम जो मिस्ट्रीज ऑफ नेचर है उन सबको मालूम कर लेगा। मौत और हयात, मुर्दा को जिंदा करेगा दज्जाल, ये सलाहियत उसमें आ जाएगी। जमीन बंजर पड़ी होगी, कहेगा कि इसमें फसल होनी चाहिए, हो जाएगी।
बारिश नहीं हो रही, हुक्म देगा और बारिश होगी, फासले खत्म हो जाए, हो चुके हैं वर्चुअली। दिस वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। ये दज्जालियत टेक्नोलॉजी की वजह से और फिजिकल साइंसेस की तरक्की की वजह से ये दज्जालियत जो है अब उस मकाम तक पहुंचने में थोड़ी सी कसर रह गई है। ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए, लेकिन ये महे कामिल अगर ये इस वही की रहनुमाई से मुस्तगनी रहेगा, अगर उन्होंने अपनी आंख बंद रखेगा तो ये दज्जाल बन जाएगा, दज्जाल अकबर। और यही दर हकीकत इस दौर की सबसे बड़ी ट्रेजिडी है, इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है। हमारा काम क्या है? दोनों उलूम का हुसूल। अच्छा, मजहबी लोग इस दूसरे इल्म को समझते हैं कि ये सेकुलर दुनियावी इल्म नहीं है, ये भी इल्म है। अल्लामा आदम अल अस्मा तो अल्लाह ने सिखाया था, लिहाजा इसको डिस्कार्ड कर देना कि ये हमारा दीनी इल्म नहीं, दीन तो दर हकीकत पूरी दुनिया को मुहित है। लिहाजा ये जो इल्म है इसको हम कहते हैं, इसको बड़ा प्यारा नाम दिया है डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम मकफूर ने, कि दिस यूनिवर्स इज द वर्क ऑफ गॉड एंड कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड। कितना फर्क है, वर्क वर्ड के और डी का फर्क है। दिस यूनिवर्स इज द वर्क ऑफ गॉड, और इसकी वर्किंग कौन चला रहा है? इसको अल्लाह चला रहा है। युदब्बिरु अमरा मिन अस्समा इलल अर्द, ही इज द मुदब्बिर। लिहाजा दिस साइंस इज अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ गॉड एंड कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड। इन दोनों के अंदर कोई तजाद मुमकिन नहीं है। किसी इंसान के भी कौल व फेल में तजाद हो तो आप कहते हैं बड़ा घटिया आदमी है, कहता कुछ और है करता कुछ और। कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के कौल और अल्लाह के फेल में कोई तजाद हो? यह हमारे अक्ल का फहम था कि हम नहीं समझते थे। हमारा अभी अल्लाह के वर्क का इल्म इतना कम था, हम समझते थे आसमान शायद बस कह रहे दो चार मील के फासले पर कोई छत है, जैसे छत हुआ करती है, यही तस्वुर होगा इंसान का आज से हज़ार साल पहले, और क्या समझा होगा उसने कि हाँ ये कहाँ है। इस हवाले से नोट कीजिए, तो ये हमारे फहम की कमी थी। अभी वर्क ऑफ गॉड का इल्म बहुत कम था, आज वर्क ऑफ गॉड का इल्म बहुत हो गया है। और तस्खीर कायनात जिसको अल्लाह ताला पोटेंशियली अव्वल दिन से हमारे लिए मुसक्कर कर चुका है, सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज जमीअन मिन्हु, तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है अल्लाह ने जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन में, कुल का कुल पोटेंशियली तो मुसक्कर किया हुआ है। ये तो वो जो पोटेंशियल इल्म दिया गया था इल्मुल अस्मा, जैसे उसकी एक्सफोलिएशन के अंदर वक्त लगा है, इसी तरह इस तस्खीर कायनात की जो है इसकी तकमील में वक्त लग रहा है। लेकिन ये कि ये जब अपने उस उरूज को पहुंचेगी, और चूंकि इसने वही से अपना रुख मोड़ लिया, वही के सोर्स से अपने आप को महरूम कर लिया, तो इसी का नाम दज्जालियत होगा।